नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में। आपके साथ मैं हूँ विधि जैन। आइए रुक करते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों की ओर। मुंबई का वड़ा पाव दुनिया भर में मशहूर है। ना सिर्फ मुंबई बल्कि देश के बाहर भी इसे लोग बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं। हाल ही में वड़ा पाव को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अमूमन हम मुंबई में 10-20 रुपए का वड़ा पाव खाते हैं। इतना ही नहीं, अगर अच्छी दुकानों में जाकर खाते हैं तो भी इसका मूल्य 100 रुपए के भीतर ही होता है। लेकिन क्या आपने 2000 रुपए का वड़ा पाव कभी खाया है? हाँ, इस बात से तो आप सरप्राइज होंगे ही कि आखिर इस वड़ा पाव की कीमत इतनी महंगी कैसे है। दुबई की एक दुकान में वड़ा पाव की कीमत करीब 100 UAE, करीब 2000 रुपए रखी गई। अब लोगों में उत्सुकता ये है कि आखिर वड़ा पाव में ऐसा क्या खास है जिसको इतने महंगे कीमत में बेचा जा रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसकी कीमत इतनी क्यों रखी गई है। दुनिया का पहला 22 कैरेट वाला गोल्ड प्लेटेड वड़ा पाव, जिसको 22 कैरेट सोने के वर्क से ढका गया है, जिसकी वजह से वड़ा पाव की कीमत इतनी ज्यादा है। इसकी कीमत AED 100 रखी गई। मशरत दाऊद ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है जिसे अभी तक 13,000 लोग देख चुके हैं। राहत पाने के लिए पूल में स्विमिंग के मजे लेना चाहता है और इसके लिए लोग वैकेशन का प्लान करते हैं। लेकिन अगर किसी पूल का पानी खौलता हुआ मिल जाए तो उसमें नहाने की जान का खतरा भी हो सकता है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक ऐसा पूल है जिसका पानी गर्म लावे की तरह खौलता है और उसमें उतरने पर बॉडी पिघलने तक का खतरा रहता है। डेली स्टार की खबर के मुताबिक इस पूल तक जाने पर एक महिला की जान तक चली गई है। प्रशासन ने इस पूरे इलाके पर जाने पर पाबंदी लगा रखी और कोई भी अगर नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। SpaceX और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि वह इंसान नहीं एलियन है। एलन मस्क ने ये दावा पहली बार नहीं बल्कि कई बार किया है। उन्होंने इससे पहले 2 बार अपने फॉलोअर्स से ये बात कही है कि वह एलियन है। दिलचस्प बात यह है कि एलन मस्क ने ये सनसनीखेज दावा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर किया है। उन्होंने अपने फैन के ट्वीट पर जवाब देते हुए बात कही। ट्विटर पर उनका ही एक पुराना इंटरव्यू क्या एलन मस्क एलियन है के कैप्शन के साथ डाला गया था। इसके जवाब में एलन मस्क ने लिखा है, निश्चित तौर पर वो एलियन है। बच्चों में गेमिंग की बढ़ती लत और दुष्प्रभावों को देखते हुए चीन ने ऑनलाइन गेमिंग के नियम पर और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल के दिनों में गेम्स पूरी तरह से बैन रहेंगे। वीकेंड और छुट्टी के दिनों में भी बच्चे 1 घंटे से ज्यादा वक्त गेम्स को नहीं दे सकेंगे। सोमवार को इसे लेकर नियम जारी किए गए। सितम्बर से ये लागू भी किए जाएंगे। चीन के नेशनल प्रेस एंड पब्लिकेशन ट्रस्ट के मुताबिक पुराने नियमों के अनुसार आम दिनों में 1.5 घंटे और वीकेंड में हर दिन 3 घंटे ऑनलाइन गेम्स की छूट दी थी। पर माता पिता की शिकायत थी कि नियम के बहुत उदार थे और सख्ती से लागू किए गए थे। नए नियम सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रात 8 से 9 बजे तक खेलने की इजाजत देता है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भारत में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और अब तक देश भर में 60 करोड़ 48 लाख डोज लग चुकी है। भारत में वैक्सीनेशन को देखते हुए अब पड़ोसी देश श्रीलंका ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों के लिए एंट्री शुरू कर दी है और अब इसी के साथ श्रीलंकन एयरलाइंस भारतीय यात्रियों के लिए बेहद ही खास ऑफर लाया है। श्रीलंकन एयरलाइंस भारतीय सैलानियों के लिए बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर लाया है, जिसके तहत कोलंबो से वापस भारत जाने के लिए एक टिकट के साथ एक टिकट मुफ्त होगी। आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके भारतीय नागरिकों को अब श्रीलंका में क्वारंटाइन होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई है। एयरलाइंस ने कहा कि भारत से श्रीलंका आने वाले सैलानी कम से कम 14 दिन पहले वैक्सीन का डोज लिया हुआ हो। इसके बाद श्रीलंका जाने पर उनका अनिवार्य रूप से
आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा जो कि नेगेटिव आना चाहिए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देश विदेश की अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मध्य प्रदेश के साथ।